दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस घंटी को ताकि आप देख सकें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित अग्निहोत्री और मैं आप सभी को लेकर आया एक बार फर्स्ट टाइम आप सभी को लेकर आया फैक्ट्री के अंदर। कहां? फैक्ट्री में। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप शॉप की वीडियो बनाते हैं, फैक्ट्री की वीडियो क्यों नहीं दिखाते। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और वो भी किस चीज का? जैकेट का। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप जो भी दिखाएं, या तो मैन्युफैक्चरिंग पर हो या एक जो फैक्ट्री होती है उसका वीडियो बनाएं। तो मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो सीजनल वर्क है, यानी कि अभी कुछ दिनों बाद जैकेट सीजन स्टार्ट हो रहा है और यहां से आपको काफी प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो रेंज मिलने वाली जैकेट की वो बहुत ही चीप और रीजनेबल प्राइस में होगी। चलिए पहले आप देखिए यहाँ का एक व्यू कि यहाँ पर जो आपको जैकेट मिलने वाली है वो किस तरह की, इसमें क्या लेदर है, क्या फैब्रिक है, और मोस्टली यहाँ पर जो फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है वो सारा इंपोर्टेड होता है। चलिए यहाँ पर आपको लेदर के बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। आपने इस पूरी फैक्ट्री में बहुत सारे जैकेट के डिजाइन देखे, इसमें बहुत सारे फैब्रिक ऐसे थे, जैसे आपका लेदर हो गया, प्यू फैब्रिक हो गया, एनएस हो गया, एनएस बटर हो गया, बहुत सारे फैब्रिक होते हैं। मैं आपको बता दूंगा जैकेट के साथ साथ कि उनका फैब्रिक क्या है, ताकि आपको आगे बिजनेस करने में आसानी हो। अब बात करते हैं यहाँ पर 12 महीने यानी कि पूरे साल जैकेट मैन्युफैक्चर की जाती है, और भारत में बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर अभी और गर्मियों में भी जैकेट इस्तेमाल किया जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ठंड पड़ती रहती है, तो जो वहां से बिलोंग करते हैं उनको भी यहां से बेनिफिट होने वाला है। चलिए बात करते हैं यहां पर रेट्स किस तरह स्टार्ट होने वाले हैं और किस तरह की वैरायटी आपको मिलने वाली है। आइए, आप देख रहे हैं यहां पर आपको ये जैकेट मिल रही है 200 रुपए में, यानी कि 200 रुपीज ओनली। अब इसे खासियत क्या बता दूं आपको, इसमें आपको मिलता है कैप जो अलग हो सकता है इस तरह से, यहां जिप होती है, आप इसको अलग भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सी जैकेट होती है उनके अंदर अक्सर अंदर कोल्टिंग लगी होती है, पर ये आपको पूरी तरह गर्म मिलती है, देख सकते हैं आप, इसके अंदर आपको कोल्टिंग नहीं मिलेगी, फर मिलेगी, और ये बहुत गर्म होती है, और जो ठंडे एरिया हैं वहाँ पर इनका काफ़ी बेनिफिट होता है। तो बहुत सी मार्केट में कोल्टिंग लगी होती है जैकेट में, अंदर आपने देखा होगा कि क्रॉस लाइनिंग होती है, वो कोल्टिंग होती है, उसमें ठंड नहीं बचती है, वो सिर्फ एक फैशन के काम में आती है, पर ये आपको प्रॉपर ठंड से बचाती है, आप देख सकते हैं। और मात्र 200 रुपये में मार्केट में यही जैकेट अगर आप लेने जाएंगे तो आपको पड़ने वाली है कम से कम 500 रुपए, बहुत हैवी है ये। चलिए बढ़ते हैं कुछ और फैब्रिक की तरफ, और ये फैब्रिक है स्कॉर्पियो, जैसे कि आपको ये यहां पर मिल रहा है 270 रुपए, और इसके अंदर जो खासियत है वो जानते हैं, हुड टाइप में अंदर फर लगा होगा,
और ये फैब्रिक है होंडा। होंडा फैब्रिक के अंदर आपको मिलती है 250 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में काफी सारी वैरायटियां। आप आइडिया के लिए देख लीजिए, कुछ सैंपल दिखाता हूँ आपको। ऐसे ये है 270 रुपए, ये आपका है 250 रुपए यानी कि 250। इस तरह के आपको काफी सारे डिजाइन यहाँ मिल जाएंगे वैरायटी के साथ, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी माल परचेस करने के लिए। मैं आपको आइडिया के लिए बहुत सारे सैंपल दिखा दूंगा ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो इस वीडियो में, चाहे इस सीजन हो चाहे नेक्स्ट सीजन हो या फिर पूरे साल में कभी भी आप इस वीडियो को देखें तब भी आपको फायदा हो गई होगा। 250 रुपए के अंदर यानी 250 की रेंज में आपको मिल जाती है यहाँ पर लेदर जैकेट। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको दिखाया था मैंने होंडा फैब्रिक, उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर, ये आपको मिल जाता है लेदर के अंदर। आप देख सकते हैं ये जिप लगी खाली शो के लिए, बाकी पॉकेट नहीं है, और अंदर सबके अंदर फर लगा होगा। और रेंज ओनली 250 रुपए, मार्केट में आप 500 रुपए तक आराम से बेच सकते हैं इसको अपने काउंटर पे। अब बढ़ते हैं थोड़ा हैवी फैब्रिक की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रेट है यहाँ पर 325 डबल एक्सल विथ कैप। और मैं आपको बता दूं ये जितनी भी जैकेट मैं आपको दिखा रहा हूं इन सबके अंदर फर लगा होगा, क्विल्टिंग वाला कोई माल नहीं होगा, देख सकते हैं आप। और रेट ओनली 325, ये आपको मिल रही है यहां पर 300 रुपए यानी कि 300 ओनली। और जो साइज होगा इसका वो होगा डबल एक्सल, और इसका आपको एक्सल साइज ही मिल जाएगा 280 यानी कि 280 रुपीज में। जैसे कि आपको ये मिल रही है यहां पर 300 रुपीज में 300 रुपए डबल एक्सल, इसका जो एक्सल साइज होगा वो भी 280 होगा। यहां पर आपको जो कलर चार्ट मिलता है इन जैकेट्स के अंदर वो मिनिमम 6 कलर आपको मिल जाते हैं, बाकी आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सा कलर पसंद कर रहे हैं अपनी शॉप के लिए। ये आपको मिलता है D50 फैब्रिक के अंदर, आप देख सकते हैं ये रिवर्सिबल होता है और रेट है इसका 380 रुपए। आप इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं। रेट 380। चलिए बढ़ते हैं इससे ऊपर रेंज में कि वो आपको क्या मिलने वाली है। जैसे कि आपको मिल जाती है रिवर्सिबल के अंदर, ये आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं ये वाली भी, और रेट है इसका 400 रुपए। इसी में एक वैरायटी और आती है वो है ये वाली, ये आपको मिल जाती है यहां पर 425 रुपए यानी कि 425। और ये सारी रिवर्सिबल है, आप इधर से पहन सकते हैं और पलट के उधर से भी आप देख सकते हैं। और मार्केट में आप देखेंगे अगर इसको, ये कम से कम नहीं तो 800,000 में बिकती है और काफ़ी हैवी होती है, तो इनका जैसा वेट होता है वैसे ही लोग इसको सेल करते हैं। फिर आपको ये मिल जाती है 400 रुपए के अंदर यानी कि 400 बटर एनएस फैब्रिक में। रेंज ओनली 400। ये आपको मिलती है वाटरप्रूफ फैब्रिक में और ये लॉन्ग कोट है, इसका रेट है यहाँ पर 450 रुपये यानी कि 450, देख सकते हैं आप। अभी मैंने आपको दिखाई थोड़ी हल्की फैब्रिक जो लेदर में है या फिर जो आपका जो भी फैब्रिक बताया था मैंने आपको, बटर एनएस, स्कॉर्पियो, होंडा जो भी है। अब बढ़ते हैं लेदर की तरफ थोड़ी हैवी में, इसका रेट है यहाँ पर 750 रुपये यानी कि 750। ये सारी भी फर के अंदर होती हैं, कलर डिजाइन आपको इसके अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे जो मैंने आपको सैंपल दिखाए हैं। इनके अंदर बहुत सारी वैरायटियां हैं, सारी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, मैं आइडिया के लिए आपको बता दूं सैंपल कि यहां पर आपको किस तरह का माल मिलने वाला है आपके बिजनेस के लिए। 750 के अंदर आपको मिलता है ये अगला डिजाइन, आप देख सकते हैं इस तरह का आपको मिलने वाला है। ये बाजू में इसकी स्टिचिंग पट्टी होगी इस तरह से। रेंज 750 रुपए यानी 750। फिर एक डिजाइन आपको ये मिल जाता है 750 के अंदर, ये इसका फ्रंट है, ये बैक है, मैंने आपको यहां पर बहुत सारे सैंपल दिखाए। अब बात करते हैं यहां के प्लस पॉइंट की, यहां का प्लस पॉइंट क्या है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है तो आप यहां पर ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपका आइटम होगा वो आपको यहां पर मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पेमेंट प्रोसेसर की, ट्रांसपोर्ट की
और जो भी फैसिलिटी यहाँ पर होने वाली है उनकी बात जो यहाँ शॉप के ओनर है। आइए तो दोस्तों अब बात करते हैं शॉप के ओनर से। सर आपका नाम? राजीव अग्रवाल। सर का नाम राजीव अग्रवाल है। सर मैं अक्सर अपनी जो वीडियो बनाता हूँ, नई जो भी मैं वीडियो इस टाइम अपलोड कर रहा हूँ, क्या होता है कि अभी तक काफ़ी बहुत से कमेंट मैंने सुने हैं लोगों की वीडियोस पर कि क्या होता है कि अकाउंट में पैसे डालने के बाद उनका माल जो है वो कुछ और भेज दिया जाता है। तो पहली बात तो ये कि आप जो रेट दिखाए मैंने वीडियो में, अभी आप यहाँ पर यही रेट देंगे, रेट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? सर रेट में भी कोई इशू नहीं आएगा और क्वालिटी में भी कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ बैठे हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन करना ही हम लोगों का समझो एम है एक तरह से। और हम चाहेंगे अगर एक काम फर्स्ट टाइम गलती करेंगे, मान लीजिए मैंने फर्स्ट टाइम फ्रॉड कर भी लिया तो मैं समझ लो बनिया आदमी हूँ तो भाई साहब मेरा तो बिजनेस ख़त्म ही है ना नेक्स्ट टाइम के लिए। मैं चाहूँगा नहीं कि मेरा बिजनेस जो है डाउन जाए, और मेरी तो इंटेंशन ये रहती कि मेरा बिजनेस जो है डे बाई डे ग्रो करे, और ग्रो तभी करेगा जब मेरा कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा मेरे से और फ्रॉड नहीं होगा। अगर मैं फ्रॉड करूँगा कस्टमर सेटिस्फाई कैसे पॉसिबल रह जाएगा, आप बताइए, खुद ही बताइए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप ऑनलाइन काम भी करते हैं। बहुत से लोगों का दिल्ली आना पॉसिबल नहीं होता है तो ऑनलाइन भी आप काम करते हैं साथ में सर के, आपको इनका नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम आप यहाँ नहीं, आप किसी भी शॉप पर किसी भी वीडियो को देखें, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो, तो फर्स्ट ऑप्शन आप यही रखें कि आप शॉप पर जाएँ, वहाँ पर देखें आपको क्या माल मिल रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो से ना कम समझ में आया हो तो आप आकर यहाँ पर माल देखें उसके बाद लें, कहीं पे भी आप जाना चाहें। तो ये आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन है। अगर आप सेकंड ऑप्शन आप कभी नहीं आ पाते दिल्ली तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं बता दूं कि लोग मुझे कमेंट तो करते हैं पर सिर्फ खाली नंबर, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पूरा कमेंट लिखें। जैसे कि आपने लिखा कि सर मुझे बिजनेस करना है और मुझे आपसे ये इंक्वायरी चाहिए, तो मैं आपको पूरा जो जवाब है वो दूंगा आपको 24 घंटे के अंदर कॉल करके। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ही वहाँ से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पेमेंट प्रोसेसर की और ट्रांसपोर्ट की। सर यहाँ पर जो पेमेंट्स होती हैं वो किस तरह अवेलेबल हैं? सर पेमेंट्स का अवेलेबलिटी तो यही है कि एक कैश होता ही है और दूसरा आप बाई चेक भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब हो जाता है? ऑनलाइन हो जाता है, कोई इशू नहीं आता किसी तरह का, कोई भी चल ही रहा है नॉर्मल, वैसे हो ही रहा है ऐसा। कहीं हम कस्टमर्स जो हमसे जो डिलीवरी हम दे रहे हैं मैक्सिमम ऑनलाइन काफ़ी कर रहे हैं और सब लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट प्रोसेसर है वो आपका कैश भी है, चेक भी है, और जो ऑनलाइन, ऑनलाइन तो सबके लिए एक ही है। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, आपने अकाउंट में पैसे डालने हैं, चाहे वो NEFT हो, IMPS हो, RTGS हो, जो भी है वो ऑनलाइन में आता ही आता है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। सर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है वो कितनी वैरायटी होता है? ट्रांसपोर्ट तो पार्सल का देखो हिसाब होता है, जो पैकिंग होती है, पैकिंग जैसे अभी हम लोग एक कार्टन लगाते हैं तो 100 पीसीस का भी होता है। अच्छा। उसमें 150 पीसीस भी आते हैं, 80 पीसीस भी आते हैं, क्योंकि जैकेट्स है कोई, पैंट्स तो है नहीं कि माल काफ़ी आएगा, जैकेट्स तो 100 पीसीस से ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो हो जाता है वो पार्सल। तो दोस्तों यहाँ पर जो नग तैयार होता है पेटी का वो मिनिमम 100 पीसेस और जो मैक्सिमम है वो 150 पीस के अंदर, यानी कि 150 पीस में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं पैकिंग चार्ज की कि पैकिंग चार्ज कौन देगा। सर अक्सर क्या होता है कि बहुत सी शॉप ऐसी हैं जो पैकिंग चार्ज कस्टमर से लेती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे 100 या 150 पीस जो भी आपका नग तैयार कराता है तो उसका पैकिंग चार्ज है वो आप देंगे? देखिए अगर वो पूरा कार्टन हमसे पैक करवाते हैं तो कस्टमर को हम फिर वो पे हम करते हैं, कस्टमर का जो होता है कस्टमर को हम नहीं डालते ऊपर, तो पैकिंग चार्जेस फिर हम लोग पे कर देते हैं, तो उसमें कस्टमर का भी फायदा होता है, बेनिफिट मिलता है कस्टमर्स को। तो आपने सुना पैकिंग चार्ज जो होता है, अगर आप यहाँ से एक क्वांटिटी में माल लेते हैं तो आपको जो पैकिंग चार्ज और शिपिंग चार्ज से बोलते हैं पैक करके गोदाम तक जहाँ से माल शहर के लिए रेडी होता है आपके, वहाँ तक का जो चार्ज होता है वो आपको ये कंपनी देती है। बाकी जो भाड़ा होता है वो आपको ही देना होता है क्योंकि वहाँ से वहाँ तक का भाड़ा आपको पे करना होता है। अब बात करते हैं, देखो भाई जो कस्टमर बाहर से आएगा उसका घर तो यहाँ पर है नहीं तो रहेगा कहाँ, तो मैं बात करूँ सर से, सर जैसे मान लो कि कस्टमर बाहर से आता है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर बाहर से आते हैं दिल्ली के तो अपने घर पहुँच जाते हैं, जो बाहर से ऐसे आपका बिहार है, आसाम है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, बैंगलोर है, जो भी है शहर में, तो किस तरह से वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं रात को अगर रुकने के लिए? यहाँ आस पास होटल वोटल होंगे? नहीं, स्टे हाउस काफ़ी बने हुए गांधीनगर में, नया तो मार्केट तो है नहीं, काफ़ी पुरानी मार्केट है, तो ऑब्वियसली जब इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है तो स्टे हाउस यहाँ पे होंगे,
तो यहाँ पे रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस और होटल्स भी काफ़ी बने हुए हैं, तो कस्टमर रहते हैं वहाँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके लिए फैसिलिटी भी बता दी जाएगी कि आपको कहाँ रहना है, इस तरह जो आपका काम है वो भी हो जाएगा कि आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद व्लॉग्स ब्लास्टर। और हाँ, इस शॉप का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ स्क्रीन पर नंबर दे रखा है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। चलिए, और हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत से बंदों का कमेंट ये आता है कि सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। मैं आपको बता दूँ, अगर मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा तो मैं फिर काम किस तरह करूँगा, क्योंकि मुझे खुद के ही बहुत सारे कॉल आएंगे। तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें, या नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें विद कमेंट, तो मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। गुड बाय।